हाँ भाई साहब, कौन को जुम्मा पड़ेगा? पड़ेगा रे, तो क्यों यहाँ की बैठे हो? जा रहे हैं भैया, चल चलो चलो जुम्मा पढ़ना चलो रे। तो फाइनली गाइस, आज जो है भाई माहे अलविदा का जुम्मा है, आज रमजान का लास्ट जुम्मा है और आज चांद रात भी है, बेसिक सी बात है। और हम निकलने वाले हैं भाई जुम्मा पढ़ने के लिए, और यहाँ पर नज़दीक में ही मस्जिद आ गई है भाई। नूरुल भाई अपने साथ है, कुछ बंदे आ रहे हैं भाई, देखो पीछे। कुल मिलाकर मस्जिद की जानिब चलने वाले, और देखो आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। तो अभी और भी बंदे आ रहे हैं भाई, देखो आज वो लोग फंसेंगे शायद जुम्मे में जिन्होंने शायद कभी मस्जिद का रुकना करा हो, बट आज जुम्मा है ना तो माशाल्लाह सब लोग पढ़ेंगे। और देखो भैया अभी कुल मिला के मैं मस्जिद के गेट पर खड़ा हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता। कुल मिला के बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, और ये मस्जिद अपनी, और माशाल्लाह ये अपनी जो है चांद मस्जिद है, और यहाँ इसके अंदर एंट्री लेते हैं और फाइनली जो है भाई जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं। और ये देखो माशाल्लाह मस्जिद का नज़ारा, चलते हैं जरा कैमरा करते हैं स्विच ऑफ। अरे ना पता मजा आ गया, 5 मीटर तो 5.5 मीटर में एक कुर्ता सिया है। तो कुल मिला के देख लो भैया, कुल ऐसे दर्जी हो गए इस टाइम के भाई साहब, कुर्ते भी ऐसे हारते हारते सीखे, तो खुद मेरे अभी यही हालात है। अब मेरा कुर्ता देख लो भाई साहब, कुल मिला के मैं आज लाया हूँ और आज जुम्मे का दिन है और सारे लोग जो है नमाज अदा करके आ रहे हैं। और अब देख लो भैया कब भी उसका पड़ा है, क्योंकि इसमें बटन ही ना है। तो करम जन्म में कुर्ता सिलवाया था भाई, वो भी बगैर कफों का, इसमें कोई भी मास्टर ने बटन नहीं लगाए हैं। कहने का मतलब यह है कुल मिला के सीजन है ईद का, और ईद के लोग जो है काफ़ी कपड़े वगैरह सिलवाते हैं, इसलिए भाई हो सकता है कि माई मिस्टेक रह गई हो मेरे। तो कफों में लिखा खोल के दिखाता हूँ यार, तुम्हें समझ में ना आ रही अभी कैमरा कैसे पकड़ूँ। आला लो फाइनली गाइस जो है भाई दरूद फातिहा करने के बाद में कब्रिस्तान में मैं आ चुका हूँ अपने घर पर। अब बेसिक सी बात है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भाई आखिर कुर्ते की क्या प्रॉब्लम थी, जो मैं वहाँ पर कुछ लोगों से रिव्यू कर रहा था, और भाई मेरे साथ साथ एक बंदे की और भी प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है भाई कुर्ता जो है ऑलमोस्ट ज़्यादातर ईद पर लोग कुर्ता सिलवाते हैं, और कुर्ता यार बेसिक सी बात है, कुर्ता एक ईद पर मुसलमान के लिए बहुत अच्छा पोशाक है पहनने के लिए। तो बेसिक सी बात है, मैंने ये कुर्ता सिलवाया था। अब इसमें कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी यार, प्रॉब्लम ये थी, और मेरे साथ साथ एक और बंदे को थी जो आपने देख लिया होगा। तो प्रॉब्लम ये थी ऑलमोस्ट के मैं कुर्ता लेके आया, और भाई ये जो मेरा कफ है, इन कफों में भाई अभी तक काज बने नहीं है, यानी कि टेलर मास्टर ने मुझे दे दिया। और कि टेलर मास्टर भाई अपने गांव का नौसाद अहमद, जो मदरसे पे ऑलमोस्ट कुर्ते वगैरह सीता है, हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर भाई काम ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक रह गई कि मेरे कफ में बटन नहीं लगा पाया भाई वो। खैर कोई बात ना, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। और भी अभी फाइनली लगभग ऑलमोस्ट 3:30 का टाइम हो चुका है, और आगे मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग के साथ, बन रही है हमारे ब्लॉग में। ओके सो फाइनली गाइस जो भाई दिन ढल चुका है, शाम हो चुकी है, और रोज़ा अफ्तार में ऑलमोस्ट 15 मिनट बाकी हैं। और दिन अगर आज देखा जाए तो भाई थोड़ा चिलक मरा है, और अभी भी देखो यहाँ पर सूरज की अभी चलक बाकी है, बट अभी सूरज डूब चुका है, लगभग थोड़ा चमक रहा होगा भाई, मेरी आंखों से तो नहीं चमक रहा। तो कहने का मतलब ये भाई पूरे चेहरे पर खुश्की है, मगरिब की अजान ऑलमोस्ट होने वाली है, और हम नीचे चलते हैं और ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे भाई, क्योंकि शाम तो हो चुकी है, सारा काम कर लिया, जुमा था आज वैसे अलविदा, और उसके बाद देखेंगे कि शायद चांद अगर नज़र आता है तो मैं चांद के भी क्लिप आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। फिलहाल नीचे क्या क्या कहानी है तो यहाँ पर देखते हैं भाई, अख्तियार वगैरह हमारा रेडी है, तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ देखें तो हमारा अख्तार बिल्कुल भाई रेडी है, और माशाल्लाह यहाँ पर हमारा अख्तार ये रेडी है। कुल मिला के भाई तो अल्लाह मालिक है, और देखते हैं भाई अल्लाह परवरदिगार हमारा रोज़ा कबूल करे भाई। और फिलहाल अभी देखते हैं भाई चांद अगर नज़र आता है हमें दीदार चांद का, जो ईद के लिए है, दिखाई देगा तो वो अगर मिलता है तो मिलते हैं, ठीक है। और फिलहाल अभी अख्तार करने के बाद ना आगे का शूट करते हैं, ठीक है। ओके सो गाइस फाइनली जो है चांद का दीदार हो गया है, और यहाँ पर बेशक अगर आप देखा जाए तो मैं फ़िलहाल रूफ पर हूँ, और यहाँ पर चांद को मैं देख रहा हूँ, ये तारा दिख रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ भाई अपने कैमरे के अकॉर्डिंग, आपको थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ पर कि चांद नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑलमोस्ट भाई इतना कैमरे की क्वालिटी तो रहा है, बट अगर देखा जाए तो यहाँ से एक मिनट यहाँ से अगर देखें तो अब देखो बीच में बिल्कुल दोनों पेड़ों के बीच में आपको हल्का हल्का वाइट का सा निशान दिख रहा है,
ये चांद नजर आ रहा है आंखों से देखने से, बट कैमरे से देखने से अभी के प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है। तो माशाल्लाह कहने का मतलब है कल को ईद है, और सभी भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।